myself Dr. Rahul Shakya. आज हम फ्रेंड्स बात करने जा रहे हैं एक मेडिसिन जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके नाम है बर्बेरिस वल्गैरिस. फ्रेंड्स वैसे तो मोस्टली पर्सन कहते हैं कि भी होम्योपैथिक मेडिसिन कोई साइड इफेक्ट नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, बट फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ है उसका नाम है एग्रेवेशन. अगर हम बिना सोचे समझे कोई भी फ्रेंड दोस्तों कहने पर कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उस मेडिसिन का 2 महीने बाद 1 महीने बाद तो उसका एग्रेवेशन हमें दिखने लग जाता है. उसके अपोजिट जो मेडिसिन हमने लिए उसके अपोजिट जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर होने लग जाते हैं. तो फ्रेंड इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी मेडिसिन लो आप तो उसके सबसे पहले सिम्टम्स और जो फिजिकल मेकअप है उसे देख के लेना चाहिए और बिना फिजिशियन के प्रिस्क्राइब किए कोई भी मेडिसिन ना लें फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स सबसे पहले आज हम ये मेडिसिन स्टार्ट करेंगे बर्बेरिस वल्गैरिस. तो फ्रेंड्स ये आपने सुना होगा ये किडनी स्टोन जो है रिमूव करने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और इसका जो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये मोस्टली बेस्ट रिजल्ट देती है किडनी स्टोन और लीवर इफेक्शन के बारे में. लीवर में जो डिजीज हो और उसके जो किडनी में जो गॉल ब्लैडर में जो स्टोन है उसको रिमूव करने के लिए अच्छा रिजल्ट देती है. और फ्रेंड्स ये एक लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है जो कि सिर्फ लेफ्ट साइडेड काम करेगी. ये किडनी स्टोन का मतलब ये नहीं कि आपने दोनों साइड किडनी है उस किडनी स्टोन है और तो आप ले रहे हो, वो मत गलती मत करना. सिर्फ लेफ्ट साइड रेमडी है ये. तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसके क्लिनिकल देख लें, क्लिनिकल क्या क्या आते हैं इसके. क्लिनिकल ये फ्रेंड्स आते हैं बिलरी कोलिक के लिए, अपने ब्लैडर के लिए, यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए, लीवर इन्फेक्शन के लिए, गॉल ब्लैडर जो किडनी है स्टोन है उसके लिए. और फ्रेंड्स एक रूमेटिज्म मतलब जॉइंट्स पेन में जो जॉइंट्स पेन मोस्टली इशू होते हैं, भी जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, घुटने दर्द हो रहे हैं, तो उसके भी एक बेस्ट मेडिसिन है ये. तो इसका हम अगर देखें कि ये सीधा एक्ट कहाँ करती है, ये फ्रेंड्स सीधा एक्ट करती है वहाँ पे जहाँ पे स्टोन है. स्टोन को क्या करती है, स्टोन को रिमूव करने से पहले उसको ब्रेक डाउन कर देती है बहुत ही छोटे छोटे पीसेज में. उसमें क्या होता है जैसे जो स्टोन है वो ब्रेक डाउन होने के बाद आराम से आसानी से रिमूव हो जाती है. और फ्रेंड्स अगर हम और इसके सिम्टम्स की बात करें जो उसकी अपने देखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिम्टम्स देखे बिना हम मेडिसिन नहीं देंगे. सबसे पहले हम देखेंगे पेशेंट ये लेफ्ट साइड रेमडी है, लेफ्ट साइड किडनी स्टोन है तो हम सिर्फ ये मेडिसिन लेंगे. और इसमें क्या होगा अपनी लेफ्ट किडनी और लेफ्ट रिएटर में, और इसमें सबसे पहले हम ब्रस्ट पेन बहुत ज़्यादा होगा. और इसमें क्या होगा नमनेस होगी स्टिफनेस होगी और जो किडनी रीजन में है उसमें थोड़ा सा पेन होता रहेगा. और बैक साइड इसका मेन रीज़न होगा किडनी स्टोन का जो कि सिम्टम्स आता है बैक पेन में इसका सिम्टम्स आता है. और इसमें क्या होता है वर्स व्हेन सिटिंग और जब वो लेटेगा या बैठेगा तो उसे पेन बहुत होगा. और सबसे पहले इसके जब सुबह सुबह उठेगा मॉर्निंग में तो उसे पेन ज़्यादा होगा. और इसके सिटिंग पेन विद लीवर रीजन जो सिटिंग पेन होंगे स्टिचिंग पेन होगा जो चुभन वाला पेन होगा वो इसके लीवर रीजन में लीवर जो वहाँ पे लीवर रीजन में पेन होगा इसके. और जो है इसके जो मेनली अपन देखेंगे कि भी स्टोन इसको यूरिन करते टाइम बहुत ही पेन होगा इसको, यूरिन बहुत ही थोड़ा आएगा और यूरिनरी अपने जो उसमें म्यूकस थोड़ा म्यूकस मतलब थोड़ा ग्रीनिश डिस्चार्ज होगा उसमें से और थोड़ा सा थिक चिपचिपा डिस्चार्ज होता रहेगा ये अपने को देखेंगे. तो फ्रेंड अगर हम और बात करें इसकी तो इसमें मिस्टर लीवर की बात भी की है. लीवर में क्या होता है लीवर डिजीज़ हमेशा आप कंपेयर करेंगे उसके स्टूल से. और इसमें स्टूल कैसा होगा स्टूल इसमें वाइट ब्लेश और क्ले कलर स्टूल होगा जो कि इसमें शो करेगा कि लीवर इफेक्शन आपको हो चुकी है या उसमें होने वाली है या उसमें हो चुकी है तो आप उसका ध्यान रखेंगे. और यूरिनरी सिम्टम्स में क्या होगा कंस्ट्रक्ट यूरिनेट कंटिन्यू यूरिन होता रहेगा उसे थोड़ी देर बाद यूरिन करता रहेगा और उसकी अर्ज जो है यूरिन की वो पूरी नहीं होगी. यूरिन करके आएगा बैठेगा उसे फिर भी होगा कि नहीं मेरा अभी तक यूरिन पास आउट नहीं हुआ अच्छे से तो फिर दोबारा यूरिन करने जाएगा. तो इसमें ये फ्रेंड्स अपन ध्यान रखेंगे. और फ्रेंड्स इसमें एक और अपना जो ध्यान रखेंगे वो है रूमेटिज्म क्या है लोअर. इसमें जो रूमेटिज्म मतलब पेन और शोल्डर पेन जॉइंट्स पेन होगा इसमें शोल्डर पेन होगा उसको और आर्म्स में फिंगर्स में टोज में जहाँ जहाँ जॉइंट है वहाँ पे इसको सेंसेशन होगी. सोरन लेम फीलिंग इन जॉइंट सोरनेस मतलब कमज़ोर हो चुके हैं चल नहीं रहे हैं जिसे कहते हैं ग्रीस मुक गया है ठीक है तो वो अपन ध्यान रखेंगे.
तो इसमें सबसे पहले फ्रेंड्स ये मेडिसिन आपको मैं शीशी दिखा देता हूँ। ये मेरे पास है डॉक्टर जॉन का प्रोडक्ट है जो कि मेरे पास पड़ा था, वो फ्रेंड्स आपको दिखा रहे हैं। इसमें आपको बर्बेरिस वगैरह इसमें या फिर आपके बहुत सारी कंपनियाँ रहती हैं, जैसे जर्मन की बनी हुई आती है और SBL की बहुत प्रोडक्ट चलते हैं, मोस्टली पर्सन यूज़ करते हैं जर्मनी के। तो फ्रेंड्स आप ये बर्बेरिस वगैरह यूज़ करके देखिए सिर्फ सिम्टम बेस पे, और आपको मैं भी ऐसे वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा हर मेडिसिन पे। और फ्रेंड्स प्लीज़ इसको इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।